रीवा की जहां पारिश्रमिक लेने पहुंची गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि रीना साकेत पति कैलाश साकेत निवासी डिहिया नरसिंहपुर थाना गोविंदगढ़ की हैं। महिला का आरोप है कि 24 जून 2022 को शाम को 6-7 बजे के लगभग आरोपी मंगल साकेत एवं उसकी पत्नी और बाल बच्चों सभी ने मिलकर महिला रीना साकेत के साथ लात घूसा व चप्पलों से पिटाई की है। बताया जाता है कि महिला अपने पति की मजदूरी मांगने गई थी, तभी सब लोग मिलकर एक राय होकर मारपीट किए हैं। वहीं महिला के पेट में 3-4 माह का बच्चा भी पल रहा है, जो आरोपी गड़ों के मारपीट से उसके पूरे शरीर में दर्द बना हुआ है। महिला ने बताया कि उनके पति को लेकर मंगल साकेत की औरत व बिटिया अनैतिक तरीके से घूमती हैं। आरोपी प्रदीप साकेत, जुग्गू साकेत, खुशबू साकेत, मंगल साकेत एवं उसकी पत्नी सभी लोग मिलकर मारपीट करते हैं और महिला के पति की मजदूरी भी नहीं देते हैं। उक्त घटना की शिकायत महिला द्वारा थाना गोविंदगढ़ में की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण से यह आवेदन पत्र महिला थाना प्रभारी को दिया है। महिला ने बताया कि महिला थाना प्रभारी के द्वारा अपशब्द बोला जाता है और 10,000 रुपये की मांग की जाती है और कहा जाता है पैसा दो तभी कोई कार्यवाही होगी। आइए सुनाते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा है। पैसा मांगी है आरटीआई, किस बात के लिए पैसा मांगी? किस बात के? मतलब मैं घूम रही हूँ जी साहब, मैं घूम रही हूँ गली गली 10 रोज मैं यहाँ आई, मेरे कोई कार्यवाही नहीं की। 10 दिन से हमारे बेटे के साथ 76 करे सब चीज हुआ, ये मैडम कुछ नहीं सुनी। यहाँ के यहाँ पास रुपया ले लेती है, हमको बोलती है कि तुम ऐसी करवाती हो, बच्चा होबाती हो, ये कर उनको नहीं डांटे। आज मेरे घर में कुर्की करवा दी मैडम। कितना पैसा मांगती है? मांगे हैं 10,000 रुपए ली, 10,000 रुपए ली तो दिए हैं आप? हाँ। कितने दिए हैं? हमारे पैसा कितने दिया है? हमारे टीआई साहब ने 3,000 रुपए ली हमसे मैडम। काहे की शिकायत लेकर आई थी आप? अरे हमारा आदमी मारता है, हमारा पूरे घर भरे की जेठ जेठानी सब आ उनको नहीं समझा। हम भी हम इनको मारते बोलते हैं चलो हुआ धर्मात कुटकी हमारे करवा दी नागी लगवा दी ना बताई लड़ी बच्चा को देखा दूसरा हम बतार करी। हाँ इनको समझाना चाहिए ना, जब पैसा लाए हैं तब नहीं बोलती है। अच्छा है एक मना का करते तो हमारे के लिए वो है।